अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं अपनी वीडियोस में एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो पावर पॉइंट से रिलेटेड है कि आप अपना जो आपके पास डाटा है या जो आपके पास प्रेजेंटेशंस हैं, जो आपकी अगर फॉर एग्जांपल कोई असाइनमेंट है तो आप उसको किस तरह से अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई मीटिंग है तो उसमें आप अपना कैसे अपना जो डाटा है उसको किस तरह से अच्छी तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल की शीट्स होती हैं, इसी तरह से वर्ड की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती हैं जिसमें प्रेजेंटेशन बनती है। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये साइड पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। अभी हमारे पास कोई स्लाइड अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा न्यू स्लाइड पे तो हमारे पास नई स्लाइड आ जाएगी और ये टाइटल स्लाइड होगी। यहाँ पे आपने टाइटल ऐड करना है। हम एक प्रेजेंटेशन बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन से रिलेटेड है। अच्छा, मैं वैसे आईफोन का यूजर नहीं हूँ बट वैसे ही एक प्रेजेंटेशन के तौर के लिए मैं इसको यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा और इसका और कोई पर्पज नहीं है। डोंट टेक इट पर्सनल। अगर मेरे से कोई मिस्टेक भी हो जाए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे मैं इतना कोई टेक्निकल आईटी का से भी रिलेटेड वो इतना नहीं हूँ, तो हो सकता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स कर दूँ। अगर मैं आईफोन के बारे में कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ तो तब भी अगर मैं किसी दूसरे फ़ोन से, वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको समझाया जा सके कि डाटा कैसे एंटर करना है। दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड हम यहाँ से ऐड करते हैं न्यू स्लाइड। तो हमारे पास ये टाइटल स्लाइड आ जाएगी और यहाँ पे कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसके फीचर्स क्या हैं, जैसे नॉर्मली इसके बारे में समझा जाता है कि इट्स डाटा इज सिक्योर, सेकंड इट रिप्रेजेंट्स आर क्लास एटसेट्रा। नई ऐड जो नई स्लाइड है वो आप ये अगर आप यहाँ पर कर्सर लेके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंट्रोल एम से नई स्लाइड भी यहाँ पे ऐड हो सकती है। अच्छा, पहली स्लाइड हमेशा टाइटल स्लाइड ऐड होगी, जो सेकंड स्लाइड है वो जिसमें आप अपना थोड़ा कंटेंट ऐड कर सकते हैं वो वाली ऐड होगी। उसके बाद ये नीचे जो एरो का निशान आ रहा है इससे आप अपने मर्जी की कोई जो स्लाइड है वो भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर यहाँ पे कंपेरिजन वाली स्लाइड लेना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल देन नाउ अगेन डोंट टेक इट पर्सनल। मैं खुद एक एंड्रॉयड यूजर हूँ, सस्ता था, आई डोंट नो, सिर्फ जो जरूरी एप्स होती हैं वो इस्तेमाल करनी होती हैं और वो दोनों पे अवेलेबल हैं, आईफोन पे भी हैं और सैमसंग पे भी हैं, मतलब आई मीन एंड्रॉयड पे भी हैं। आईफोन और सैमसंग का हम कंपैरिजन ले लेते हैं और ये कंपैरिजन सिर्फ मेरे अपने माइंड के मुताबिक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल परसेप्शन पाई जाती है इट, वही चीज रिपीट कर लेते हैं, इट्स डेटा इज सिक्योर एंड इट रिप्रेजेंट्स क्लास। वो आपने सुना होगा कि जिनके पास आईफोन होता है वो आईफोन को उल्टा करके पकड़ते हैं ताकि पीछे जो एप्पल है, खाया हुआ एप्पल, वो नजर आता रहे। इट्स इजी टू यूज और सो मैनी फीचर्स, सो मैनी फीचर्स एटसेट्रा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज के सिर्फ आपको पता चल जाए कि ये यहाँ पे किस तरह से आपने डाटा यहाँ पे प्रेजेंट करना है। आप इसे बहुत बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। कंपैरिजन हम ऊपर लिख लेते हैं, कंपैरिजन। ओके, अच्छा इसके स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं, सॉरी मुझे स्पेलिंग भी नहीं आते इसीलिए ये रट दे रहा है यहाँ पे भी। ओके, अब ठीक हो गया। नाउ सी, अच्छा नेक्स्ट हम एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं ऐसे ही और यहाँ पे हम एक पिक्चर ऐड करके देखते हैं।
पिक्चर्स में जाएंगे, इंसर्ट टैब, इंसर्ट से पिक्चर्स, और डिवाइस में मैंने दो पिक्चर्स लेके रखी हुई हैं ऑलरेडी, एक ये कर लेते हैं, इसको साइड पे ले आते हैं, और एक और पिक्चर है, चलिए इसको आप ये पॉइंट से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये सांप जो है, मैं चाहता हूँ कि नीचे से ये जो ये पोर्शन है इसको मैं क्रॉप कर लूँ, तो हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ये फॉर्मेट में आएंगे ऊपर लास्ट, और यहाँ से हम क्रॉप सेलेक्ट करेंगे क्रॉप, और इसको हम यहाँ से ये लीजिए, हम इसको छोटा कर लेते हैं। ओके नाउ, अच्छा इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ से, और अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, कॉल आउट्स कहते हैं, आई मीन कि इन दोनों के जहनों में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये वाला ले लेते हैं यहाँ से, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल माय डाटा इज सिक्योर, ये भाई साहब फरमा रहे हैं, ठीक है। और ये सैमसंग यूज करते हुए क्या सोच रहे हैं, हम कुछ अपने पास से ही लिख लेते हैं, शेप्स में आके एक अलग शेप हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉल ये लीजिए, अगेन राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, और हम लिख लेते हैं इट्स इजी टू यूज सो मैनी एप्स एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा इसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से ये जो येलो बटन है इससे पकड़ के आप इसको मूव भी कर सकते हैं कि भाई साहब ये लीजिए, इसको भी अगर मैं ये चाहूँ तो यहाँ से मूव कर सकता हूँ। लास्ट में हम एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, और टाइटल एंड कंटेंट टाइटल ओनली कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल थैंक यू फॉर योर टाइम, तो ये छोटी सी आसान सी प्रेजेंटेशन थी जो हमने कंप्लीट बना ली है। नेक्स्ट हम ये एनिमेशन में आएंगे, डिजाइन टैब देखेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि यहाँ से आप ये आपने देख लिया इसका जो शॉर्टकट था कंट्रोल प्लस एम, पिक्चर्स ऐड करनी है आपने देख ली कि पिक्चर्स कैसे ऐड होंगी, और यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन इसी जो प्रेजेंटेशन है इसी का हम डिज़ाइन चेंज करेंगे, और देन इसमें हम एनिमेशन ऐड करेंगे, ट्रांजिशंस लाएंगे, और बाय द एंड ऑफ ये जो प्लेलिस्ट होगी आप इसके बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे इंशाल्लाह। अगेन मैंने जो इसमें डाटा आपको बताया, जो मैंने डाटा फीड किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इट्स नॉट बायस्ड, ये मेरा पर्सनल व्यू है, या वो है जो परसेप्शन पाई जाती है, या उसको भी आप रहने दें, सिर्फ जस्ट ट्राइड कि मैं आपको समझा सकूं कि इसमें डाटा कैसे फीड करना है आपने। दैट्स इट, शुक्रिया जी, सलाम अलैकुम।